Dear students, in this module, we are going to talk about the present and future of different formal organizations. आज की दुनिया में formal organizations आपको हर जगह पर मिलती हैं formal bureaucratic structures से आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुजरना पड़ता है चाहे वो आपका educational institution हो आपकी economic activity हो या आपके political processes हों इन सब में आपको गाहे बगाहे इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में से गुज़रना पड़ता है जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि क्या ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं आने वाले वक्तों में भी इसी तरह से रहेंगी आने वाले वक्त के अंदर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये फॉर्मल से अपनी साख और अपनी माहियत को बदल के हमारे लिए शायद मज़ीद आसानियाँ या मजीद मुश्किल पैदा करें सो करंटली फार्मल ऑर्गनाइजेश आर अ क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी एंड कंटिन्यू टू प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स एंड वट कैन बी द पॉसिबल चेंजेस एंड डिफरेंट ट्रेंड्स इट मीनस दैट द एडवासमेंट्स इन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर ट्रांसफॉर्मिंग दिज फॉर्मल ऑर्गनाइजेशन हम अगर माजी की नस्बत बात करें तो माजी में रिलेटिवली हम लेस ग्लोबलाइज थे हमारा दुनिया के साथ इतना रताता नहीं था या इतनी तेज़ी से जो है बदलते हुए हालात व वाक़ जो हैं वो हमारे माशरे के ऊपर असरअंदाज नहीं होते थे जितना कि आज है आज शोशल मीडिया के कनेक्शनस की वजह से ग्लोबलाइज वर्ल्ड जो है वो मज़ीद सकट गई है और इसके जो रेपिड कम्यूनिकेशन है इसके असरात जो हैं वो हमारी फॉर्मल ऑर्गनइजेशन के ऊपर भी मुरतब हो रहे हैं आप देखते हैं कि ब्यूरोटिक ऑर्गेनाइजेशंस आज ख़ुद सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती हैं और अपने पोटेंशियल कस्टमर्स या क्लाइंट्स के साथ जो है वो हमा वक्त इंटरेक्शन के अंदर रहती हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि इस कम्युनिकेशन पैटर्न को वो इस्तेमाल कर सकें ना सिर्फ आ, लोगों को इन्फॉमेसन देने के लिए बल्कि उनसे उनकी इन्फॉमेसन सीख करने के लिए भी उनकी करेक्टरिस्टिक्स की इंफॉर्मेशन सीख करने के लिए जिनकी बुनियाद पे ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जा सकें कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को जो है ना सिर्फ अट्रैक्ट कर सकती हैं बल्कि उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सस्टेन भी कर सकती हैं फर्दर या फ्यूचर चैलेंजेस क्या हो सकते हैं द एड्रेसिंग इनवालिटी इज़ द मेजर चैलेंज हम जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो उनका की मकसद जो होता है या की गोल जो होता है वो ये होता है कि किसी तरह से आवाम की ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाया सक, जा सके अब ये कैसे मुमकिन है ताकि उस इनिटी पॉसिबल इनक्वालिटीज़ को रिड्यूस किया जा सके मिनिमाइज़ किया जा सके और सब को जो है इम पार्शली या इम ट्रीट किया जा सके बेस्ड ऑन द फॉर्मल रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस। रिस्पॉन्डिंग टू द चेंजिंग सोसाइटल नीड्स एंड अडेप्टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स माशरे जो हैं वो हम वक्त एक सोशल चेंज की कैफियत में होते हैं ये चेंजेस जो हैं इनोवेशन की मदद से या टेक्नोलॉजी की मदद से आती हैं और इन चेंजेस को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है इन फॉर्मर ऑर्गनाइजेशन में तो फ्यूचर के लिए ये इन ऑर्गनाइजेशन के लिए भी एक चैलेंज होता है क्योंकि आज की दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है तो इस चैलेंज को निपटने के लिए इस चैलेंज से निपटने के लिए इससे नबरद आजमा होने के लिए वो ये करते हैं कि वो साथ साथ जो अपने रिटर्न रूल्स हैं उनके अंदर चेंजेस लेके आते हैं जैसे जैसे कोई नई सिचुएशन इमर्ज होती है उसके मुताबिक उसको कंटेक्चुअलाइज़ करते हैं और इम्पॉर्टेंटली मोर इम्पॉर्टेंटली उनका पर्पस या मकसद ये होता है कि कैसे मैसेज को बेटर सर्व किया जा सकता है अपॉर्चुनिटीज़ जो फ्यूचर में हो सकती हैं वहसिंग द एफिशेंसी प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इम्प्रूविंग दी अकाउंटेबिलिटी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आ, बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है और उसका इस्तेमाल करते हुए ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं हम वक्त अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स और कस्टमर्स के साथ इंटरेक्शन में रहती हैं आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की मदद से जो ज़्यादा से ज़्यादा मालूम है वो अबेंटली अवेलेबल करने की कोशिश करती हैं और अपने उस इंटरेक्शनल प्रोसेस को मज़ीद एफिशिएंट बनाने की कोशिश करती हैं तो फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि जो फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशंस होंगी वो हो सकता है कि ज़्यादा इम्पारशल हो जाएँ उसमें इंसानों का जो है वो शायद कम इस्तेमाल हो और रोबोट्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे फ्यूचर जो है वो इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एआई का इस्तेमाल करता है